देश में मौजूदा हालात से निदान पाने के लिए काफी लोगों की तरफ से मदद की जा रही है। लोग बढ़ चढ़कर पीएम केयर्स में दान कर रहे हैं ताकि इन पैसों का इस्तेमाल महामारी से प्रभावित लोगों के लिए किया जा सके। लेकिन असम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आता दिख रहा है। दरअसल 12 लोगों ने असम में विदेशी ट्रिब्यूनल्स के नाम से 60,000 की धनराशि दान किया है। धनराशि दान की यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब इन्होंने इस राशि को तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर नहीं खर्च करने को कह दिया। डोनेशन देने के साथ साथ इन्होंने एक खत भी लिखा जिसमें यह लिखा था कि इस पैसे का इस्तेमाल तबलीगी जमात जिहादियों की मदद के लिए नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि डोनेशन से जुड़ा यह खत 7 अप्रैल को असम के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा को लिखा गया, जिसमें बक्सा जिले के विदेशी ट्रिब्यूनल मेंबर कमलेश कुमार गुप्ता के दस्तखत हैं। वहीं जब कमलेश कुमार से इस खत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह खत सरकार को नहीं भेजा गया। खत में यह साफ साफ लिखा था कि जमात के लोगों तक यह मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। कोरोना वायरस महामारी संक्रमण की गिरफ्त में मानवता को बचाने के लिए कृपया हमारा डोनेशन स्वीकार कीजिए। फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में हम आपको बता दें कि यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो किसी के उन दावों की जांच परख और छानबीन करती है जो उसके विदेशी होने या न होने से संबंधित होती है। वही डोनेशन देने वाले 12 लोगों में से एक, जिसका नाम पंपा चक्रवर्ती है, उसने पिछले साल रिटायर्ड आर्मी अफसर मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी घोषित किया था। आपको बता दें कि यह वह आर्मी अफसर हैं जिनके बारे में अगर लोगों को याद हो जो असम में NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस लागू होने पर जिन्हें 30 साल भारतीय सेना में सेवा देने के बाद विदेशी घोषित कर दिया गया था। हालांकि इनकी चर्चा मुख्य मीडिया चैनलों में नहीं की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया में यह खबर देखी जा सकती थी। देखा जाए तो इस प्रकार की सोच बेहद गलत है और इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर लोगों को मदद करनी है तो उन्हें इस प्रकार के विचार मन में नहीं लाने चाहिए, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। लोगों को इन सब से ऊपर उठने की जरूरत है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।